हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पिछला वीडियो देखा और जिसमें हमने सरला वर्मा के बारे में बात की। आज हम ये जानना चाहते हैं कि MSET के मामलों में आधारभूत केस कौन सा है। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है और इसमें मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको जो MSET की प्रैक्टिस है उसका बेसिक बताऊंगी। तो हमारे पास दो क्वेश्चन आ गए, MSET के मामलों में आधारभूत केस कौन सा है और उक्त केस में क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ये हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। तो इसका आंसर मैंने बताया है सरला वर्मा वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 2009 ब्रैकेट में 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 121। ये जो साइटेशन है, ये सरला वर्मा का जो केस है, ये फर्स्ट केस है, ये सबसे आधारभूत केस है। अगर आप MSET की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, MSET में डिसीजन लिखना चाहते हैं या MSET को सीखना चाहते हैं तो ये सरला वर्मा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का केस आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें बताया क्या गया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि इसमें क्या बताया गया। तो इसमें गुणांक सिस्टम को बताया गया है। इसमें ये इसका लीडिंग केस है MSET का। डेथ केस में इसी के सिद्धांत लागू किए गए हैं और इसको पढ़ने के बाद हमें बहुत सारी बेसिक बातें पता चल जाती हैं। अब गुणांक सिस्टम होता क्या है, तो आप इसमें गुणांक जो है उम्र के हिसाब से लगते हैं, यानी गुणांक का मतलब मल्टीप्लायर। तो जिस व्यक्ति की जितनी एज है उस हिसाब से कौन सा मल्टीप्लायर लगेगा, ये इसमें बताया गया है। जैसे ये 15 से 20 साल एज है तो 18 का मल्टीप्लायर लगेगा, 21 से 25 की एज है तो 18 का मल्टीप्लायर लगेगा, 26 से 30 की एज है तो 17 का मल्टीप्लायर लगेगा, 31 से 35 की एज है तो 16 का मल्टीप्लायर लगेगा, 36 से 40 की एज है तो 15 का मल्टीप्लायर लगेगा, ये 41 से 45 की अगर एज है तो 14 का मल्टीप्लायर लगेगा, 46 से 50 अगर एज है तो 13 का मल्टीप्लायर लगेगा। देखिए इनमें सब में एक एक का डिफरेंस आ रहा है, यानी 16 में से एक एक ही घटते क्रम में ये जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो है इनकी जो दो अंकों में इनकी घटोत्तरी होनी शुरू हो जाती है। तो अगर किसी मृतक की एज, ये एज किसकी देखनी हमको, मृतक की, तो मृतक की एज अगर 51 से 55 साल है तो 11 का मल्टीप्लायर लगेगा, 56 से 60 की अगर एज है तो 9 का मल्टीप्लायर लगेगा। फिर ये देखिए, अगर 60 से 65 की उम्र है तो 7 का मल्टीप्लायर लगेगा और 66 से अगर 70 की एज है तो 5 का मल्टीप्लायर लगेगा, लेकिन एज अगर अबाउ देन 70 है तो मल्टीप्लायर नील हो जाएगा, यानी कोई मल्टीप्लायर नहीं लगेगा। तो ये इसमें मल्टीप्लायर के बारे में बताया गया है। ये मल्टीप्लायर आप याद कर लीजिए या फिर इनको अपनी डायरी में भी आप लिख सकते हैं। MSET के केस में मल्टीप्लायर कितना लगेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट केस होता है। इस ये जो मल्टीप्लायर है ये आय से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर और आय जब गुणा करते हैं तो उस व्यक्ति को कितना कंपनसेशन मिलेगा, इसका एक मोटा मोटा हमको आंकड़ा प्राप्त हो जाता है। अब इस में और क्या बताया गया है, एक इसमें कटौतियों के बारे में बताया गया है सरला वर्मा में, यानी अगर कोई व्यक्ति अनमैरिड मरा है, अविवाहित है और उसके माता पिता क्लेम पेश करते हैं तो इसमें कटौतियां जो है 1/2 होंगी, यानी 50% कटौती हो जाएगी। यानी अगर हम उसकी आय अगर 20,000 रुपये मांग रहे हैं तो इसमें 1/2 कटौती होकर 10,000 से उसका आय की गणना की जाएगी, ठीक है। अब अगर 2 से 3 मेंबर है तो 1/3 कटौती होएगी, 4 से 6 मेंबर है तो 1/4 कटौती होएगी और अबाउ 6 मेंबर है तो 1/5 कटौती होएगी। यानी ये कटौतियों का सिद्धांत क्या है, कटौती हम क्यों करते हैं, एक्चुअली हम ये देखते हैं कि जैसे हम आय को दो भागों में बांटते हैं कि अगर वो व्यक्ति जिंदा रहता, मृतक यदि जिंदा होता तो वो खुद पर कितना खर्च करता, खुद पर और परिवार पर कितना खर्च करता। तो अगर जैसे खुद पर अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है और वो अविवाहित है तो वो 1/2 खुद पर खर्च कर लेता और 1/2 परिवार को देता। तो ये 1/2 जो वो खुद पर राशि खर्च कर रहा है, इस राशि की कटौती हम उस प्रतिकर में से कर देते हैं। तो इसलिए ये कटौतियाँ जो हैं इसमें बताई गई हैं कि अगर पीछे ये 4 से 6 मेंबर है, यानी जो क्लेमेंट हैं वो 4 से 6 हैं, जिन्होंने याचिका पेश की है, जो आश्रित लोग हैं वो 4 से 6 हैं और मरने वाला मर गया है तो उसके खुद के खर्चे के पेटे कटौती 1/4 होएगी। और अगर 6 मेंबर है घर में, यानी जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतनी कटौती जो है वो कम होती चली जाएंगी। तो ये सरला वर्मा का ये जो केस है मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि इसमें किस तरह जो है वो ये मूल सिद्धांत बताए गए हैं।